हार्दिक पंड्या ने कोच को गले लगाया, कप्तान ना बनने के बाद भी खुश हैं हार्दिक पंड्या। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सियारी। देखिए, आने वाली जो श्रृंखला है वो है श्रीलंका के सामने और उसके लिए टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब उन तस्वीरों में गौतम गंभीर को भी देखा गया है, हार्दिक पंड्या को भी देखा गया है। टीम इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आपको उन तस्वीरों में सामने दिखे हैं और साथ ही में असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर भी दिखे हैं और पूरा कोचिंग स्टाफ भी दिखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोच को हार्दिक पंड्या ने गले लगाया है और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। और आपको बता दें कि असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर हार्दिक पंड्या से बहुत देर तक बात भी कर रहे थे और हार्दिक पंड्या ने असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को गले भी लगाया और वो तस्वीरें सामने भी आई। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बातें भी हुई एंड दोनों एक दूसरे को देख के बात करके हंस रहे थे। पर लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर आए। हार्दिक पंड्या का कप्तान ना बनने का सबसे बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो यही समझ आ रहा है कि हार्दिक पंड्या की जो फिटनेस प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू हार्दिक पंड्या के लिए बन गई कि वो अपनी फिटनेस थोड़े समय से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। लेकिन एक बात सच है कि हार्दिक पंड्या लगातार थोड़े समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे कि अगर हम याद करें, आईपीएल लगातार पूरा पूरा टूर्नामेंट खेला, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन अभी भी हार्दिक पंड्या को अपनी फिटनेस प्रूव करनी बाकी है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ साफ समझ आ रहा था। जब गौतम गंभीर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए टीम इंडिया के लिए एज अ हेड कोच बनके, और साथ ही में अजीत अगरकर भी थे, और अगरकर साहब की बातों से यही लग रहा था कि हार्दिक पंड्या की फिटनेस की वजह से ही वो कप्तान नहीं बने और सूर्यकुमार यादव कप्तान बन गए। क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसा प्लेयर चाहिए, एक ऐसा कप्तान चाहिए जो कि रेगुलरली टीम के लिए मैचेस खेले, ऐसा ना हो कि अवेलेबल ना रहे, और हार्दिक पंड्या की अवेलेबिलिटी थोड़े समय से एक बड़ा इशू रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे कि आपको बताया कि हार्दिक पंड्या जब दिख रहे थे वहां पे टीम के साथ, टीम बस में चढ़ रहे थे, तब वहां पे बड़े खुश दिख रहे थे, ज्यादा चिंतित नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी इस वक्त बड़ी हैम्पर्ड चल रही है। बहुत ज्यादा कुछ ठीक नहीं चल रहा उनकी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें, कप्तान बनने वाले थे T20 के 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद लगातार हार्दिक पंड्या ने कप्तानी करी थी, लेकिन एक इंजरी हुई, उसके बाद सारी की सारी कहानी पलट गई हार्दिक पंड्या के लिए और कप्तानी भी उनके हाथ से चली गई। बट T20 वर्ल्ड कप जितवाने के बाद सबको यही लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए T20 में हार्दिक पंड्या ही कप्तान बनेंगे, लेकिन आखिरी सेकेंड में, वो कहते हैं ना कि आखिरी मोमेंट पे लोग शॉक हो गए कि ये कैसे डिसीजन आ गया कि सूर्यकुमार यादव कप्तान बन गए टीम इंडिया के। लेकिन बातें तो यही सामने आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही, उसके आसपास ही ये बहुत पहले डिसीजन ले लिया गया था, इस चीज को लेके चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हार्दिक पंड्या कप्तान ना बनने के बाद भी खुश हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या सूर्यकुमार यादव T20 में एक डिजर्विंग कैप्टन है या नहीं। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।